हूं आपके साथ हर्षदा। भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठ मैत्रेय की लोकेशन ट्रेस करते हुए पाए जाने पर साइबर सेल के 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें से उप निरीक्षक से कांस्टेबल तक शामिल है। आपको बता दें कि अपराधियों की जानकारियां जुटाने के बजाय जिले के कुछ पुलिसकर्मी अपने ही पुलिस अधीक्षक की लोकेशन ट्रेस करते दिखे। ये पुलिसकर्मी किसके इशारे पर ये दुस्साहस कर रहे थे, इसकी जांच एक आरपीएस अधिकारी को दी गई है। आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि जिले के किसी भी अधिकारी के इशारे पर उन्होंने ये कृत्य किया था। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय ने पूरे प्रकरण की जानकारी पुलिस मुख्यालय को भी दी है। पुलिस महानिदेशक यूआर साहू का ये कहना है कि मामले की जांच जारी है, किसी की भूमिका सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसी के साथ बात करें तो भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय को खैरथल तिजारा के एसपी पद का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अलवर से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता प्रदीप गोयल। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो ये साइबर सेल वालों ने एसपी की ही जासूसी की है, इसमें किसका हाथ सामने आ रहा है? और साथ ही साथ ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार की इतनी हिम्मत किसकी हो गई है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिले का मामला है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जिसके अंतर्गत अपने ही विभाग के जो 7 पुलिस कर्मी थे, जिसमें एक ऐसा ही था वो मिस पाया गया है। ये पूरा मामला अभी पुलिस ने एसपी पुलिस ने पूरे मुख्यालय को सौंप दिया गया है और इसके अंतर्गत जो हमारी एसपी है एसपी थी, उन्होंने एक अधिकारी जिसको जांच के लिए लगाया, आर्थिक अधिकारी है तो नियुक्त किया गया है। पूरा मामला अभी उनके संज्ञान में आने के बाद जांच के बाद पता चलेगा कि इससे किसी बड़े रसूखदार नेता या प्रतिनिधि या बड़े कोई अधिकारी का हाथ है या नहीं। ये पूरे मामला जब जांच होगी उसके बाद ही निकल पाएगा। लेकिन प्रदीप, जिन 7 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर बात हो रही है, जिन 7 पुलिसकर्मियों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, लोकेशन ट्रेस करने वाले उनको सस्पेंड भी किया गया है, उनसे फिलहाल पूछताछ तो की जा रही होगी, उन्होंने क्या कुछ भी चीजें बताई, कोई ऐसा क्लू मिला कि आखिरकार कोई बड़ा जो आप रसूखदार का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी बड़े अधिकारी की भी इसमें मिलीभगत सामने आ सकती है? हमने जब एसपी साहब से बात करना चाहा तो अभी उन्होंने इस मामले में यही बोला है कि हमने इसकी पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को दे दी है, अब ये जांच के बाद ही है ये पूरा खुलासा कर पाएंगे कि किस प्रतिनिधि का इसमें हाथ है या किस बड़े अधिकारी का इसमें हाथ है। ये पूरा मामला इस जांच का विषय है, अभी उन्होंने कहने से मना, पूरा बताने से मना कर दिया है। और जो साइबर सेल टीम है उनसे भी क्या संपर्क किया जा रहा है? हाँ, ये जो सातों निलंबित किए हुए पकड़े गए हैं, ये साइबर सेल में ही काम कर रहे थे, टीम ही इनकी लगी हुई थी, जिसके कारण जब पुलिस अधीक्षक को इसकी झलक लगी तब ये मामला सामने आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम। लेकिन ये बड़ी खबर जहां पर लोकेशन ट्रेस करने पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, ये भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय की लोकेशन ट्रेस करते हुए पाए गए थे, जिनको फिलहाल तक सस्पेंड कर दिया है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले पर जांच जारी है।